हेलो दोस्तों, कैसे हो हेलो। आप लोग। आज फिर से हम बैठ गए चाय पे, चर्चा पे। तो पहले तो अभी पंगा ये हो गया हमारे साथ कि अभी हमारे घर में रिनोवेशन चल रहा है और हमारा कैमरे का जो स्टैंड था ना, वो गायब हो गया। तो बहुत देर से हम उसे खोज रहे थे कि मिल जाए, बट नहीं मिला। तो ठीक है, खोजेंगे बाद में उसको, है ना। तो यही है अभी, मतलब कुछ दोस्त बोल रहे थे हमसे कि तुम लोग कहाँ गायब हो गए, मिल नहीं रहे हो, मतलब कोई व्लॉग नहीं आ रहा, कुछ चाय पे चर्चा नहीं आ रहा। तो भाई हम आ गए आ गए पहले तो फिर बता दे रहे हैं कि जो स्टैंड नहीं मिला तो उसको जुगाड़ क्या लगाए। मोबाइल तो वहीं पे है, उसको रखा गया हमारे पास है। एक बॉक्स था, तो उस बॉक्स के ऊपर रखे और उसके पीछे ये एक कप रख दी तो फिर तो उससे वो टेम्पररी व्यवस्था किया गया है, और जब ये पूरा सेटलमेंट हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, तो तो उसे हटा देंगे। उसे खोजना पड़ेगा कि कहाँ है भाई। हम लोग के यस, ऑफिस का यूट्यूब ऑफिस का एक ही एग्जैक्टली गैजेट एक ही तो गैजेट है, वो भी नहीं मिल रहा हमारे हमें। पास, वही एक ऑफिस के नाम पे एक वो स्टैंड है, वो खोजना पड़ेगा कहाँ पे है। वैसे चर्चा हम लोग सोचे थे कि वही जैसे बहुत लोग तो बोले भाई तो एक्चुअली हाँ, तो हम यही सोचे कि अब भाई सही बात है कि हम सामने क्यों नहीं आ रहे। तो बस मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आज है फर्स्ट में और लेबर डे पे हम सोचे थोड़ा सा आज कुछ बात करते हैं। तो हुआ आज ऐसे कि मतलब ऐसे बैठे थे हम लोग और एक्चुअली सुबह से स्टार्ट करते हैं, लाइक सुबह मॉर्निंग हुई जब, तो हम बोले आज तो अनुराग आएंगे नहीं, मतलब लेबर्स हमारे जो लेबर सॉरी तो मतलब काम करने वाले। काम करने के लिए यहाँ पे आज आएंगे नहीं। और तो फिर ठीक है, आज तो मतलब आराम से हम सोएंगे। तो बोलते हैं नहीं, आज वो आएंगे फिर से। तो हम बोले आज तो लेबर डे है ना, तो बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं सेलिब्रेट होता। तो अब एक्चुअली वो एक अलग स्टोरी है, बट जब तुम हाँ बोले कि जब नहीं आएंगे लेबर्स, मुझे लगा क्या हुआ, क्यों नहीं आएंगे लेबर्स आज, मतलब क्यों नहीं काम होगा। हाँ तो फिर तुम बोली अब लेबर्स डे का, तो फिर हमको मतलब ये लगा क्योंकि यार मुझसे तो बात हुआ था कि अभी 2 दिन का काम बचा है, आज भी आएंगे कल खत्म करेंगे, तो मुझे तो पक्का था कि आएंगे। फिर आ भी गए वो, हाँ यार, 8 बजता नहीं है यहाँ पे, सोचता आदमी को थोड़ा आधा घंटा और सो ले। 7:30 होते एकदम बिल्कुल, यहाँ इतना पंक्चुअल हैं सभी कि अगर टाइम दिया हुआ है तो वो टाइम पे वो मतलब होते हैं, डच मतलब जो भी हैं। तो मतलब भाई 7:30 मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है इनका और फिर हमको लगता है 5:30 ऐसे कुछ करके 6 मतलब गिर जाते हैं। तो अभी मैं तो हाँ मैंने हालांकि उनसे पूछ भी दिया कि ऐसे मजाक किया कि अरे यार आप लोग क्यों आ गए आज करके, आज तो लेबर्स डे है। हाँ हाँ तो हंसने लगा जो का वो बंदा, तो बोला हम लोग के लिए कौन सा लेबर डे है, मतलब द मोर वी वर्क द मोर वी अर्न। तो यस उनको अगला प्रोजेक्ट पाइप लाइन है, मतलब ऑलरेडी कल से उनको दूसरे स्टार्ट करना था, ऑलरेडी रनिंग लेट करके। तो यस खैर लेबर्स डे कुछ हुआ नहीं, काम हुआ आज पूरा ढूंढ के, और मुझे लग रहा 2-3 घंटे पहले गए वो लोग, हम लोग फिर अभी चार चर्चा कर रहे हैं। तो आई थिंक एक चीज जो हम लोग फिर सोचे कि चलो अब ऐसे वैसे आज है भी लेबर्स डे, और इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा किया है। कि तो एक्चुअल में लेबर्स डे क्या हाँ, होता तो है। एग्जैक्टली, तो अभी जैसे हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे, 1 मई को पढ़ते थे मे डे, मे मई डे दिवस हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, या मजदूर दिवस बोलते थे। मेरे एक दोस्त का बर्थडे भी आज, तो हम लोग उसको बोलते थे मजदूर दिवस कब है, मजदूर मतलब उसका बर्थडे कब है, मतलब मजदूर दिवस कब है। तो जनरली अगर देखा जाए मजदूर दिवस लेबर डे तो है ही है, बट अगर सोफिस्टिकेटेड में इसको देखा जाए तो इसको इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी बोलते हैं। तो थोड़ा उसको सोफिस्टिकेशन ला दिए, लेबर थोड़ा सा लगता है कि बड़ा कंजर्वेटिव टाइप का लगता है, तो उसको सोफिस्टिकेशन में उसको बोल इसको इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी बोलते हैं। और इसका अगर देखा जाए थोड़ा हिस्टोरिकली, मतलब जो हम जो मैंने पढ़ा स्टार्टिंग में, तो इसका US में आज के दिन मतलब 1 मई को, आई थिंक समवेयर 1800-1900 किसी उसमें, 1 मई को लेबर यूनियन US में इन लोगों ने पहली बार डिमांड किया था कि हम लोग को 8 आवर्स का डे होना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे जो काम कराने वाले लोग होते हैं, जो भी लैंडलॉर्ड या फिर जो भी काम कराते हैं, जैसे क्लाइंट या फिर जो भी बोलो, वो लोग कोई मतलब एक डेडिकेटेड टाइम नहीं था, मतलब कि एक दिन मतलब कितना काम, वो सब नहीं था। तो पहली बार जो लेबर यूनियन जो पूरा उसमें अपने थे, वो लोग ने डिसाइड उन्होंने मांग किया, मतलब अपने चर्च या फिर जो भी ऑफिशियल्स थे उनसे मांगा कि 8 घंटे 8 आवर डे होना चाहिए, कि बट काम का मतलब 8 घंटा। और तभी से देखो ना ये
अब धीरे धीरे कल्चर आ गया 8 आवर्स हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जैसे बोलते हैं 9 to 5 9 to 5 तो 8 आवर डे का कल्चर जो है वो पहली बार लेबर यूनियन ने यूएस में फर्स्ट में आई थिंक 1880s में कुछ मांगा था पहली बार। तो उसके बाद काफी बवाल हुआ था, मतलब जैसे वो लेबर यूनियन वहां पे बहुत मतलब मैं पढ़ा था यहाँ भी ऐसा कुछ पढ़ा था कि कुछ ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग मांग करने के लिए, तो उसपे काफी बम मतलब आपस में ही कुछ बमबारी उमबारी हो गया था, पूरा भगदड़ मच गई थी, तो काफी केस उस चल रहा था। बट अल्टीमेटली जब इन लोग ने डिसाइड किया तो इनने डिसाइड किया कि फर्स्ट में को चूंकि ये पहली बार मांग उठी थी तो जब गवर्नमेंट ने इसको दिया मतलब एक रूल बनाया कि फर्स्ट लेबर्स डे का एक डे होना चाहिए वर्कर्स डे का, तो उसको फर्स्ट में डिजिग्नेट किया। तो उसके बाद से हर हाँ फर्स्ट में को हमेशा मतलब ये मतलब लेबर डे यहाँ पे मनाते हैं लोग। तो एक तरह से देखा जाए तो इसकी जो हिस्टोरिकली देखा जाए तो इसीलिए और लेबर डे ऐसे और इसको थोड़ा और सोफिस्टिकेट करके इंटरनेशनल वर्कर्स है तो हम लोग अपने आप को बोल सकते हैं कि हम लोग वर्कर हैं, वर्कर्स मतलब काउंट करते हैं जैसे। तो वैसे तुम्हारी वहाँ पे इंडिया में थे तो तुम्हारी इसकी तो छुट्टी भी होती थी लेबर्स डे की? इंडिया में हमेशा जैसे वही जो दोस्तों जो बता रहा हूँ तो उसका जब बर्थडे होता था तो अगर मंडे पड़ता था तो हम लोग का लॉन्ग वीकेंड हो जाता था, या फ्राइडे पड़ता था तो लॉन्ग वीकेंड हो जाता था, तो प्लानिंग होने लगता था क्योंकि फर्स्ट में छुट्टी होती ही थी मतलब। हाँ। अभी भी एटलीस्ट आईटी में तो मुझे पता है गवर्नमेंट का, मुझे नहीं लगता आई थिंक मुझे नहीं लगता बट आईटी में तो पक्का से है कि फर्स्ट में को छुट्टी होती थी। अच्छा। और अभी भी होती है। तो हाँ इंडिया में तो थे और यहाँ तो हमको नहीं लगता ये कुछ यहाँ पे लेबर डे वगैरह कुछ ये लोग मानते हैं। ये लोग यहाँ पे जब मैं आया पहली बार, आई एम द बॉस। हाँ नहीं मतलब वही यहाँ पे जब मैं ऐसे ही आया आई थिंक जब 2-3 साल पहले जब यहाँ पे आया ऑफिस ज्वाइन किए तो आई थिंक फर्स्ट मे को आई डोंट थिंक कुछ सैटरडे संडे था उस दिन, यहाँ पे याद नहीं आ रहा। तो मैंने बोला कि यार फर्स्ट मे को छुट्टी होगी क्योंकि मुझे उतना पब्लिक हॉलीडे नीदरलैंड के बारे में पता भी नहीं था। तो इन लोगों ने बोले कि हम बोले कि क्योंकि मुझे पता था इंटरनेशनल लेबर्स डे या वर्कर्स डे है तो मैंने पूछा फर्स्ट मे को तो एनी वे छुट्टी होगी, तो इन लोग बोले नहीं। तो मैंने बोला क्यों, ये तो काफी कंट्रीज मतलब 70-80 बहुत सारी कंट्रीज मानती हैं इसको। तो हंसने लगा डच का लिख था मेरा और हंसने लगा बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग अपने आप को लेबर नहीं मानते हैं। मतलब ऑफकोर्स जोकिंगली बोल मतलब मजाक में बोला उसने कि हम लोग अपने आप को लेबर नहीं मानते हैं। बट हाँ अगर फैक्ट्स पे देखा जाए तो नीदरलैंड में लेबर स्टे मतलब यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे में काउंट नहीं होता है। यहीं पे बगल में देखो जर्मनी है, फ्रांस है, यहाँ पे होता है फर्स्ट मे को, तो उनकी छुट्टियां एक तरह टेक्निकली कट गई हैं, संडे है तो गया उनका। बट हम लोग का फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसके एक मतलब काफी मैंने एक बार पढ़ने की कोशिश भी की कई जगह की मतलब क्यों नहीं मनाया जाता है, तो कहीं मैं ऐसा कुछ बहुत मैंने सर्च भी किया ऐसे कुछ बट ऐसा कुछ वो नहीं मिला कि क्यों नहीं मनाया जाता है, ऐसा कोई लॉजिकली रीजन ही नहीं है इसका। एक चीज जो मुझे मतलब जैसे और अपने नेबर से पूछा और ऐसे भी मतलब पता किया तो और पढ़ा भी जहाँ पे जो एक ही एक आध जगह पे लिखा हुआ है उसमें यही लिखा है कि यहाँ पे क्या है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना आती जाती रहती हैं, वो चाहे विपक्ष या फिर जो पक्ष बोलो जो दो तीन जैसे हमारे यहाँ अभी 2-3 पार्टीज होते हैं पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टी में या फिर गवर्नमेंट में कभी भी एक मत नहीं बना कि एक लेबर्स के लिए डे होना चाहिए, तो वो कभी बना ही नहीं। तो अब वो कभी बना नहीं तो कभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ, बट आई एम श्योर कि कभी ना कभी कोई गवर्नमेंट आएगी और उसको ये रिकग्नाइज होगा कि भाई यहाँ पे सारी कंट्रीज में है तो यहाँ भी एक दिन होना चाहिए लेबर डे और फर्स्ट में ऑफकोर्स। तो हो सकता है फ्यूचर में हो बट आज के दिन फैक्ट यही है कि नीदरलैंड में लेबर्स डे नहीं होता है। ऑफकोर्स हम लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, हम लोग पूरा धोन के करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन डेजिग्नेटेड पब्लिक हॉलीडे फर्स्ट में तो हाँ टोटल डेफिनेटली नहीं है। तो बाकी आप लोग जहाँ भी जिस कंट्री में होंगे आई एम श्योर इंडिया तो मुझे पता है कि है, इंडिया में तो है हाँ, और इवन जर्मनी फ्रांस भी पता है, यूएस में भी है, बट और भी जगह जहाँ पे लोग देखेंगे वीडियो को या फिर कभी देखेंगे तो ऑलमोस्ट। और एक और चीज मैंने पढ़ा था कि अब वही इसका रीजन ये नहीं था बट उसमें ये था कि अब चूंकि देखो किंग्स डे भी गया ना 27 तारीख को अभी यहाँ पे कॉनिंग्सटाग बोलते हैं यहाँ पे किंग्स डे होता है जो राजा जी का जन्मदिन होता है। तो पहले मतलब 30 अप्रैल को पड़ता था बहुत पहले, मतलब पहले किंग थे शायद, बीच में क्वीन आई थी,
क्वीन से पढ़ता था, अभी किंग, हाँ वही किंग है अभी, उनका उनका भी मतलब फॉर्चुनेटली, और जो भी 27 अप्रैल को पढ़ता है, तो पहले ये बोलते थे लोग कि वो छुट्टी एक मिल जाती थी इन लोगों को, हाँ तो उस समय भी ये लोग चूंकि 30 अप्रैल और 1 मई पास पास था, तो मतलब चलो उन लोगों को एक छुट्टी मिल गई करके, बट उस समय नीड हो सकता है, उन लोगों को लगा नहीं, चाहे दूसरा एक थ्रेड पड़ रहा था कि भाई यहाँ पे बोल रहे थे लोग कि यहाँ के एम्प्लॉयर लोग को भी ऐसा कभी नहीं लगा के दे देना चाहिए, क्योंकि ठीक है एक पब्लिक हॉलीडे होता है, बट ये तो एम्प्लॉयर का भी डिस्क्रिप्शन है, मतलब अगर चाहे कोई कंपनी, मेरी कंपनी यहाँ चाहे कि नहीं, अगर इंटरनेशनल वर्कर्स डे है तो कोई भी दिन वो डे ऑफ दे सकते हैं, तो आएगा एक दिन जब गवर्नमेंट या तो ग्लोबली डिक्लेयर कर देगी, या तो कंपनीज अपने लेवल पे इसको डिक्लेयर करेंगी कि भाई एम्प्लॉयज का, हाँ मतलब नेदरलैंड्स में कुछ कम ऐसा नहीं लगता तुमको कि बहुत कम छुट्टियां होती हैं? यहाँ पे इंडिया में थे तो बहुत ही सही था, एटलीस्ट इतने हमारे हॉलीडे है, हमारा अभी देखो अभी ईद आएगा, दशहरा अभी रामनवमी बीती है, कुछ ना कुछ दशहरा, दिवाली, होली, इतनी छुट्टियां हैं कि पब्लिक हॉलीडे ही कम से कम 10-15 मिल जाते हैं। Exactly, yes. और इंडिया में तो जैसे पिछले कंपनी में तो हम लोग रूल भी था कि अगर कोई जैसे लिस्ट थी, 20 छुट्टियों की लिस्ट होती थी, आई एम श्योर बहुत कंपनी का होगा, 20 छुट्टियों की लिस्ट होती थी, तो अगर और उसमें से 10 छुट्टी या 12 छुट्टी मिलनी ही मिलनी है, तो उसमें से अगर एक कोई सैटरडे जैसे आज पड़ गया, मे डे या संडे को पड़ गया, तो कोई और छुट्टी मेन छुट्टी बन जाती थी, तो टोटल हमारा जो 12 छुट्टी होती थी वो होती ही थी, तो और यहाँ पे अगर गिन ले अगर यहाँ पे टोटल, तो क्रिसमस 26 और ईस्टर, व्हाइट मंडे और एसेंशन डे, मे डे तो है नहीं, सॉरी किंग्स डे नहीं, गुड फ्राइडे हम लोग की छुट्टी कर दी, बट गुड फ्राइडे, बट टोटल और मुझे लगता है 6 छुट्टी होगी, और अगर उस और यहाँ का सबसे बड़ा वो है कि जैसे ये या फिर कोई भी छुट्टी अगर सैटरडे संडे हो गया तो गया तो गया, मतलब इट्स योर लॉस, मतलब तो अगर कई बार ये होता है कि क्रिसमस और 25-26 सैटरडे संडे पड़ जाते हैं, दो छुट्टी ऐसे ही कट गई, और 25-26 एक ये भी टैक्टिक है, जिस दिन क्रिसमस पड़ता है उसी दिन न्यू ईयर भी पड़ता है, तो 25 को सैटरडे गया तो अगला न्यू ईयर भी गया सैटरडे को, तो 3 छुट्टी तो ऐसे ही कट गई लगातार, तो छुट्टियां कम है यहाँ पर, पब्लिक हॉलीडेज कम है न्यूजीलैंड में, तो बाकी अपना लोग अपना यहाँ पे जैसे इंडिया में लोग बचा बचा के छुट्टी अपना अपना क्या बोलते हैं उसको इनकैश करते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब मजा करते हैं अपना, अगर 35 छुट्टी है तो पूरी छुट्टी लेंगे वो बहुत कम मैंने देखा है लोगों को अपने छुट्टियां बचा के इनकैश करते हुए, लोग खरीदते हैं उल्टा यहाँ पे तो आई थिंक छुट्टी लेनी चाहिए, मेरी तो कभी आज तो मैंने कभी छुट्टी मेरी मतलब हार्डली, फिलहाल तो हमारे पास ये वाली मई वाली तो फर्स्ट मई की कोई छुट्टी तो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग और होती भी तो संडे के साथ चली गई, हाँ एग्जैक्टली, तो और कुछ नहीं, बस बढ़िया है, आप लोग भी अपना वर्किंग क्लास को यही बोलूंगा आराम से काम करिए, छुट्टी हो तो सरा तो कट गई है, बट जब भी छुट्टी हो एंजॉय करिए, और अगर कुछ आपके पास हमारे लिए कुछ अगर ऐसा लेबर डे पे कुछ है पॉइंट तो आप हमसे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जुड़िए हम लोग से, लाइक करिए और कुछ आपको लगता है किसी और मजेदार टॉपिक कोई आ रहा है कुछ, जैसे कुछ आपको लोग लगता है कि यहाँ के, या फिर ऐसे भी हम लोग को अपना ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, ऐसे चिट चैट, क्योंकि हम लोग देखिए कोई एकदम कैजुअल बात होती है यहाँ पे, हम लोग ऐसे कैजुअली बात करते हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं, एकेडमिक एकदम रिसर्च टॉपिक से ऐसा नहीं होता है कि हम लोग एकदम पढ़ के बैठे हुए हैं कुछ एकदम पूरा, जो अपना एक्सपीरियंस है, जो ऐसा लगता है, जो हमारी सोच है, हम उस चीज को सामने, बस इसलिए ये चाय का चर्चा टॉपिक भी दिया था हमने कि मतलब नॉर्मल बात करना है, नॉर्मल जो भी जो हम जानते हैं, और जो और जानते हैं जो नेदरलैंड्स में रह रहे हैं, या फिर जो नेदरलैंड्स के बाहर हैं, या फिर जो उनके पास कुछ टॉपिक्स हैं जो हम जानना है, वो हम मतलब वो भी आप कमेंट कर सकते जैसे हैं, हम लोग किंग्स लीग जिन्होंने कोट किया, हम लोग एक्चुअली उस पर एक चर्चा करने वाले थे, बट अगेन कंस्ट्रक्शन में पूरा थोड़ा काम सा बिजी होने के चक्कर में थोड़ा मैं लगा कि अभी हम लोग कर नहीं पाए एक्चुअली, हम लोग का सेट नहीं, बट अदरवाइज ये भी अच्छा एक वो था कि यहाँ पे राजा जी होते हैं, यहाँ पे उनका जन्मदिन होता है, उस पर पब्लिक हॉलीडे होता है, तो ऐसे ही मतलब कुछ कुछ टॉपिक और भी आपको कुछ लगे तो प्लीज कमेंट में बताइए, तो हम लोग पिक करेंगे, तमाम चाय चर्चा सीरीज चल रही है, कभी ना कभी कोई ना कोई टॉपिक उठता रहेगा, इंडिया का, न्यूजीलैंड का, कभी ऐसे इन जनरल सबका,
तो चलिए ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। यस, और चाय पीते रहिए। और चाय पीते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।